उदयपुर शहर के आशाधाम आश्रम में पिछले 6 माह पहले संदीप कुमार मौर्य को हॉस्पिटल में विमानित एवं घायल अवस्था में पुलिस द्वारा आश्रम में लाया गया था। यहां पर रहने पर उसका मानसिक स्वास्थ्य और पैर पर लगे घाव इलाज करवाने से ठीक हो गए और नियमित इलाज के बाद संदीप को मानसिक हालत भी ठीक हो गई। इसके बाद उसने अपने गांव का पता बताया कि वह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके बाद इंटरनेट से खोजबीन कर उसके परिवार का पता लगाया गया। परिवार से संपर्क करने के बाद संदीप का भाई राकेश कुमार मौर्य उसको लेने पहुंचा तो आशाधाम देखकर उसे काफी खुशी महसूस हुई। इसके बाद सिस्टर डेमिनी ने उन्हें उनके परिवार के सौंपा। इस दौरान संदीप का वहां से जाने पर आंखें छलक गई। उसे आशाधाम आश्रम में इतना प्यार और दुलार मिला था कि वह अपने परिवार के बारे में बता सका। अब संदीप मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्वस्थ है और अपने परिवार को भी पूरी तरीके से पहचान रहा है। सिस्टर डेनियल के इस प्रयास से संदीप पूरी तरीके से ठीक हुआ, इसका उनके परिवार को भी काफी ज्यादा खुशी है। संदीप बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था, जिस वजह से इस तरह की समस्या का सामना देखना पड़ रहा था। वह बिना बताए ही अपने घर से चला गया, जिस वजह से परिवार के सदस्य भी उसे लंबे टाइम से खोज रहे थे, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। संदीप जाने को तैयार है? संदीप बोलो, कल जाने को तैयार है? हाँ। कैसे इधर आ गया? मिस्टर तो सर दवाई करा हुए हॉस्पिटल आ गए हैं, पट्टी बना दवाई करो, फिर हुआ हॉस्पिटल रखे हैं, फिर गाड़ी बैठा के ड्राइवर रखे यहाँ लाइन। अच्छा, घर पर कौन कौन है? घर पर कौन कौन है? सब हैं, मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, दीदी हैं। आपका कौन है? आपका कौन है? भैया। उनका नाम क्या है? राकेश।